अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे ना, आपको सांस चढ़ेगा, आपकी सांस फूलेगी, आपकी आवाज क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है. It is necessary to solve the equation to determine the unknown variable. The graph gives information about average rainfall in inches. It is a very informative. Welcome back guys. Sunil here from English Forever PT. तो recently मैंने PT का एक official mock test attempt किया था. उसका score आप लोगों ने thumbnail के ऊपर देख ही लिया होगा. इस mock test को देने के मेरे दो purpose थे. एक तो मुझे describe में जो retail lecture का template check करना था, क्या वो अभी भी work कर रहे हैं नहीं. मुझे कुछ students के doubt आ रहे थे. उनके मुझे कॉन्स्टेंट मैसेज आ रहे थे कि उनका टैम्पलेट, ये वाला जो टैम्पलेट जो मेरे वाला है, वो रियल एग्जाम के अंदर काम नहीं किया. राइट, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि अभी भी ये वर्क कर रहे हैं नहीं. और दूसरा, ऐसे का टैम्पलेट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्या वो रियल एग्जाम में वर्क कर रहे हैं नहीं, तो ये भी मुझे एक बार चेक करना था. तो इस टेस्ट के अंदर मैंने सारे वही टैम्पलेट लगाए थे, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, समराइज रिटर्न, समराइज स्पोकन और ऐसे. पाँचों के टैम्पलेट्स मैंने वही लगाए थे जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, और मार्क्स फुल ऑफ द फुल मार्क्स मिले हैं. कोई भी टैम्पलेट ऐसा नहीं है जो वर्क नहीं कर रहा. मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले जाके दिखा भी देता हूँ. दिस इज द होम पेज. यहाँ से मैं अपनी आईडी एक बार लॉग इन कर लेता हूँ. यहाँ पे अपनी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं. साइन इन कर रहा हूँ मैं. ठीक है, साइन इन करने के बाद ये पेज खुलेगा. हमें प्रिपेयर वाली टैब पे जाना है. यहां जाने के बाद वी नीड टू क्लिक ऑन स्कोर प्रैक्टिस टेस्ट. ठीक है, इसके बाद इसकी मॉक टेस्ट वाली साइट प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा. प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट दिख जाएंगे जो अवेलेबल हैं पीटी की तरफ से. रिजल्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेंगे जो मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था. तो ये मॉक टेस्ट नंबर डी ये मैंने कल लगाया था. 2 घंटे का ये मॉक टेस्ट है. इसका स्कोर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार. ओके, सो दिस इज द स्कोर दैट आई गॉट. ओवरऑल 90 स्कोर बना है. लिसनिंग आई गॉट 87, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग सब के अंदर मुझे 90 out of 90 मिल रखा है स्कोर. ठीक है, देखो अगर कोई भी टैम्पलेट, अगर मेरा डिस्क्राइब या रिटेल इमेज का टैम्पलेट काम नहीं किया होता ना, तो स्पीकिंग के अंदर कभी भी 90 नहीं आ सकते थे. अगर समराइज रिटर्न टेक्स्ट और ऐसे का टैम्पलेट अगर वर्क नहीं करता, तो राइटिंग के अंदर कभी भी 90 नहीं आ सकते थे. इवन अगर जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टैम्पलेट होता है ना, अगर वो काम नहीं करता, तब भी राइटिंग के अंदर मार्क्स नहीं आ सकते थे 90 out of 90, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन राइटिंग के अंदर भी जाता है. लिसनिंग के मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ पे लिसनिंग के डिडक्ट हुए हैं. उसका रीजन प्रोबेबली कंटेंट जो रिपीट सेंटेंस का होता है, वो मैंने हर एक रिपीट सेंटेंस का कंटेंट 100% पिक नहीं किया था. कुछ रिपीट सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ड्स मिस किए थे, और रिटेल लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा बहुत फंबल कर गया था. कीवर्ड्स मैंने रिपीट कर दिए थे वहाँ पे, इनफ कीवर्ड्स मैं पिक नहीं कर पाया था. तो रिपीट सेंटेंस की वजह से आई थिंक मेरा लिसनिंग का जो स्कोर है यहाँ पे वो डिक्रीज हुआ है. मैं आप लोगों को एक बार शो भी कर देता हूँ कि मैंने रीड अलाउड बोला कैसे था. रीड अलाउड शो करने से पहले ना मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, ये एक रीड अलाउड है. ठीक है, ये रीड अलाउड 5th रीड अलाउड था मेरा इसी वाले टेस्ट का. स्कोर टेस्ट डी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर के अंदर. ये रीड अलाउड मेरे पास आया था. ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं. मैं आपको इसकी ऑडियो भी सुनाऊंगा मैंने किस तरीके से ये रीड अलाउड बोला था. तो सबसे पहले ना देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमाज है, जैसे ये लर्निंग के बाद एक कॉमा है यहाँ पे, आपको इस कॉमा पे पॉज ले लेना है. आप रुक जाओ थोड़ा सा. मेट्स के बाद कॉमा है. ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बाद फुल स्टॉप है. जो कॉमाज बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, मैं ज़्यादा उन पर नहीं रुकता, तो मैं जनरली के बाद वाले कॉमा पर नहीं रुका. उसके बाद लास्ट में एक फुल स्टॉप है, पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, इन कॉमास का, इन फुल स्टॉप्स का मीनिंग क्या होता है, ये आपके लिए बने होते हैं ताकि आप इन पे पॉज ले पाओ. और पॉज लेने का पर्पज़ क्या होता है, ताकि आप सांस ले पाओ. बहुत सारे स्टूडेंट इन कॉमास पे रुकते ही नहीं है, और अगर रुक भी जाते हैं तो सिर्फ पॉज दिखाने के लिए रुकते हैं. आपको एक्चुअल में सांस लेना होता है यहाँ पे. अगर आप कंटिन्यूसली बोलते जाओगे ना, आपको सांस चढ़ेगा, आपकी सांस फूलेगी, आपकी आवाज़ क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है. अल्टीमेटली स्पीकिंग के अंदर मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे. ठीक है,
तो इन कॉमास पे, इन फुल स्टॉप्स पे पॉज लिया करो, थोड़ा सा इनहेल किया करो, सांस खींचा करो अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ये लास्ट सेकंड जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जर्नली से ये सेंटेंस स्टार्ट होकर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पे खत्म हो रहा है, बीच में सिर्फ एक कॉमा है वो भी स्टार्टिंग के अंदर ही है। तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उन्हें लगता है कि कॉमा तो दिया ही नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं उसको। ऐसे नहीं करना होता आपको रियल एग्जाम के अंदर। रियल एग्जाम के अंदर भी सेम ऐसे ही बड़े बड़े लाइंस होती हैं, उनके अंदर कॉमास प्रोबेबली आपको ना मिले देखने को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो उसको, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप कंटिन्यूटी में इसको, तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा फिर, आप लोग तो कैसे पढ़ोगे उसको। यहाँ से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप थोड़ा बहुत यहाँ मिड तक आते आते थोड़ा थोड़ा सांस फूलने लगता है। मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे पॉज ले लिया बस, टुगेदर के बाद। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं था, लास्ट में मैंने यहाँ पे जैसे ही लाइन चेंज करनी थी, टुगेदर पे मैंने पॉज लिया। पॉज लेने का मतलब मैंने सांस लिया बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूटी में मैंने यहाँ तक फिनिश किया, और पार्टिसिपेंट्स के बाद फुल स्टॉप जैसे ही आया मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी को एक ही सांस के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे आपकी आवाज़ क्रैक होती है, मार्क्स ड्रॉप होते हैं उससे। मैं आपको इसका ऑडियो भी सुना देता हूँ, मैंने कैसे बोला था इस मॉक टेस्ट के अंदर। Closure activities allow participants to consolidate learning, say goodbye to group mates, and attend to any unfinished business prior to the ending of the group experience. Generally, these activities involve some reflection upon which they have been learned or accomplished during the preceding time together, and a sharing of those thoughts or insights with other participants. ठीक है, तो मैंने क्या किया, बस जहाँ पे फुल स्टॉप्स बन रहे थे, जहाँ पे कॉमा था, मैंने सिर्फ वहीं पे पॉज लिया, उसके अलावा मैं कहीं पे भी फालतू नहीं रुका, ठीक है। ये मेरा मेन पर्पस। तो बाकी सारे वर्ड्स मैंने क्लैरिटी से पढ़े हैं, प्रोनंसिएशन अपनी क्लियर रखी है, फ्लो नहीं टूटने दिया। मेन चीज़ आपकी फ्लुएंसी होती है स्पीकिंग के अंदर, अगर आप फ्लुएंटली पढ़ रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो बस वो सिस्टम को समझ आ जाना चाहिए। कुछ लोग फ्लो में तो पढ़ते हैं पर वो पढ़ते ऐसे हैं कि सिस्टम को समझ में ही नहीं आता कुछ। और दूसरी चीज, कुछ लोग फ्लुएंसी को कंसीडर कर लेते हैं स्पीड के साथ में। फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीड। आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना फास्ट पढ़ना है जितना एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर पढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट या तो बहुत स्लो पढ़ते हैं, ये आदत मैंने इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर देखी है, वो थोड़ा स्लो पढ़ते हैं। और जो लोग फास्ट पढ़ते हैं उनकी प्रोनंसिएशन में इशू होता है, वो वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पाते। दोनों ही चीजें आपके स्पीकिंग के मार्क्स नहीं आने देंगे। आपको नॉर्मल स्पीड पे पढ़ना होता है, नॉर्मल स्पीड। जैसे ये वाला सेंटेंस मेरा, ये जो रीड अलाउड था मेरा 18-19 सेकंड के अंदर अंदर फिनिश हो गया था। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 में हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं फिनिश होना चाहिए, 25 सेकंड्स, 27 सेकंड। दैट मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी लो, अगर आपका बहुत टाइम लेके फिनिश हो रहा है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ रहे हो तो आपका यही सेंटेंस, यही रीड अलाउड प्रोबेबली 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा। उससे होगा कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने से आप वर्ड्स मिस करने लग जाओगे, प्रोनंसिएशन आपकी क्लियर नहीं आएगी। तो ऑप्टिमम स्पीड के अंदर पढ़ना होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि स्पीड वगैरह कितनी रहनी चाहिए, फ्लुएंसी और स्पीड प्रोनंसिएशन का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। ये तो थी रीड अलाउड की बात, ठीक है। हर एक रीड अलाउड मैंने ऐसे ही बोला है, फ्लो के अंदर बिना रुके। नाउ दैट्स ऑल अबाउट रीड अलाउड। मैं आपको शो करता हूँ इसके बाद मैंने रिपीट सेंटेंस कैसे बोला। देखो, कुछ रिपीट सेंटेंस के अंदर ना मैं कंटेंट 100% पिक नहीं कर पाया था, बट मेन चीज मैंने हर एक रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या मेक श्योर करने की कोशिश की है कि मैं फंबल ना करूं, मैं अटकू ना किसी भी रिपीट सेंटेंस के अंदर। जितना बोलूं उतना क्लैरिटी से बोलूं मैं। प्रोनंसिएशन अपनी साफ रखी, स्पीड मैंने ऑप्टिमम रखी, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोला मैंने, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं बोला, ठीक है। कुछ रीड अलाउड के अंदर मेरा कंटेंट मिस हुआ था, वो 2-3 रीड अलाउड में आप लोगों के सामने अभी प्ले करूंगा। दिस इज द फर्स्ट वन। Financial support can be offered to help pay your fees and other costs. Financial support can be offered to help you pay your fees and other supports. ठीक है, लास्ट का वर्ड इसमें मैंने मिस किया था, कोस्ट की जगह पे मैंने सपोर्ट बोल दिया। बट मेन चीज क्या थी, मैं फ्लुएंसी मैंने मेंटेन रखी, जितना बोला मैंने क्लैरिटी से बोला और फटाफट से उसको सबमिट कर दिया। नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस। It is necessary to solve the equation to determine the unknown variable. It is necessary to solve the equation and to help the other variable. ठीक है, लास्ट वाली वर्डिंग सेकंड हाफ मैंने चेंज कर दिया, एंड टू हेल्प द अदर वेरिएबल। स्टेटमेंट कुछ और थी, मैंने कुछ और बोल दिया। कंटेंट थोड़ा बहुत लूज हुआ होगा उसके अंदर, बट फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन मैंने मेंटेन रखा, इसी वजह से स्पीकिंग के अंदर 90 आउट ऑफ 90 आ पाए।
ठीक है, तो आपको भी यही करना होता है. अगर आपका टारगेट 65 है, इवन अगर आपका टारगेट स्पीकिंग के अंदर 79 तक भी लेना है ना, आप अगर 60-70% कंटेंट पिक कर लेते हो, ऑन एन एवरेज 60-70% कंटेंट का मीनिंग 6-7 वर्ड्स के आसपास होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिपीट सेंटेंस 10-12 वर्ड्स के आसपास ही होते हैं. तो अगर आप 6-7 वर्ड्स पिक करा पा रहे हो ना, उनको फ्लो में बोल पा रहे हो, आपके स्पीकिंग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. आपको बस ये चीज मेक श्योर करनी है, जो भी आप 6-7 वर्ड्स पढ़ रहे हो उनमें आप अटको ना, और उनको क्लैरिटी से बोल दो, वो समझ में आ जाए सिस्टम के. बस नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस. The book is informative, but it could be accused of political bias. The book is informative, and it could be the cause of the informative bias. ठीक है, last का second half मैंने change कर दिया इस repeat sentence के अंदर. और main चीज क्या थी, मैंने extra words लगा दिए खुद की तरफ से, but fluency मैंने maintain रखा, और जो भी word मैंने लगाए वो मैंने correctly बोले. ठीक है, तो repeat sentence के अंदर basically main चीज क्या होती है, अगर आपका target कहीं भी 79 लेना है, 65 each लेना है, स्पीकिंग के अंदर आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हो, आपको रिपीट सेंटेंस फुल आउट ऑफ फुल पिक कराने की जरूरत नहीं है. आप कंटेंट को छोड़ दो, अगर आपका कंटेंट 50% से ज्यादा पिक हो रहा है ना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे स्पीकिंग के अंदर. मैं क्या सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, आपके आप 6-7 वर्ड्स याद रखने की कोशिश करो बस, दैट्स इट. अगर आप 6-7 वर्ड्स याद कर लेते हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपका कंटेंट 50% से ऊपर ही जाएगा. बट आपको बस क्या चीज मेक श्योर करनी है, आप वो 50% कंटेंट, मतलब वो 6-7 वर्ड्स अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करके बोल दो. जो भी प्रोनाउंसिएशन, जो भी वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन साफ रखो, अटकना नहीं है आपको उनको बोलते टाइम. अगर आप इतना कर ले दो ना, आपके स्पीकिंग के मार्क्स बहुत अच्छे याद आएंगे. रिपीट सेंटेंस फुल याद करने की जरूरत नहीं होती है आपको, थोड़ा बहुत सेंटेंस आप मिस कर देते हो, कोई इशू नहीं आएगा. यही सेम चीज मैंने रियल एग्जाम के अंदर की थी, मैं फुल आउट ऑफ फुल हर एक सेंटेंस के अंदर बोल के नहीं आया था. एक दो सेंटेंस ऐसे थे जिनमें मैं इवन फंबल भी हो गया था, ठीक है, और मेरे ख्याल से हर एक बंदा हो जाता है. सेंटेंस काफ़ी लेंदी भी आ जाते हैं, 14 वर्ड्स 15 वर्ड्स, इतने बड़े सेंटेंस याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता. उनमें अगर आप 6-7 वर्ड्स आराम से बोल आते हो ना, आपके स्पीकिंग के मार्क्स 80+ बड़े आराम से आप लेके आ सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिपीट सेंटेंस. इसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब इमेज शो करता हूँ. देखो डिस्क्राइब इमेज के अंदर भी मैंने सेम टैम्पलेट फॉलो किया था, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी डाली हुई हैं. वही सेम टैम्पलेट मैंने इस मॉक टेस्ट के अंदर यूज़ किया. मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भी प्ले करके दिखा देता हूँ. नाउ सबसे पहले जो इमेज आई थी वो ये वाली थी मेरे पास. इसके अंदर पहले जो 25 सेकेंड्स हमें मिलते हैं, मैंने फटाफट से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, एवरेज रेनफॉल इन इंचेस, उसके बाद न्यूयॉर्क, डैलस, फीनिक्स, 7.66%, जो भी कीवर्ड्स थे मैंने एक बार उनको पढ़ लिया, और उसके बाद जैसे ही टाइमिंग खत्म हुई मैंने रिकॉर्ड करना, अपना टैम्पलेट बोलना स्टार्ट कर दिया. द ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरेज रेनफॉल इन इंचेस. इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी न्यूयॉर्क एंड डैलस. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी फीनिक्स एंड न्यूयॉर्क. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 20 and 30. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 33.7 and 10.66. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ग्रीन कलर एंड रेड कलर. इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर. आई कैन सी द हाइएस्ट एज वेल एज द लोवेस्ट एलिमेंट. ठीक है, सेम टैम्पलेट मैंने डिस्क्राइब इमेज में यूज किया था. इसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आई थी, इवन मैंने उसके अंदर भी सेम टेम्पलेट ही फॉलो किया था. मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ. तो ये इमेज हमारे पास नेक्स्ट आई थी. सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए जो भी थे, टॉट एट होम, यूएसए, और उसके बाद मैंने इनको बोलना स्टार्ट किया. द ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एज्ड बिटवीन 5 to 17. इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 2003 and 2007. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी टॉट एट होम एंड यूएसए. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 2% and 4%. From the picture, I can see blue color and black color. From the picture, I can see 1.7% and 2.9%. It is a very informative picture. I can see the highest as well as the lowest element. ठीक है, same template for describe image. इसके बाद मैं आपको retail lecture सुनाता हूँ कि retail lecture के अंदर भी मैंने same template use किया था. पहले audio play हुई for 1 minute approx. उसमें मैंने main keywords note down कर लिए 10 to 12, और उन keywords को फिर मैं बस template के अंदर put करता गया और बोलता गया. The lecture gives information about language. It is a very informative lecture. From the lecture, I can hear scientists and 21% of population. From the lecture, I can hear 2% increase in whales. From the lecture, I can hear 1991 and 2001. From the lecture, I can hear 5% of population and 84,000. From the lecture, I can hear positive response and understand. From the lecture, I can hear growth and east. It is a very informative lecture. Furthermore, the speaker has proven this by providing all these reasons. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीकिंग पार्ट बेसिकली. ठीक है, सारे टेम्पलेट्स वही यूज़ किए मैंने स्पीकिंग के अंदर, और स्पीकिंग के ओवरऑल मार्क्स 90 आउट ऑफ 90 आ रखे हैं.
इसके बाद जो राइटिंग का राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट वन जो फर्स्ट वाला टास्क होता है हमारा और जो राइटिंग ऐसे होता है इसके अंदर भी मैंने वही टेम्पलेट फॉलो किया था जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ और राइटिंग के अंदर भी परफेक्ट 90 out of 90 रखे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पलेट होता है ना वो समराइज स्पोकन का होता है। नाउ लिसनिंग के अंदर आई स्कोर 87 बट राइटिंग के अंदर मेरे जो मार्क्स थे वो 90 out of 90 थे। तो उससे पता चलता है अगर मेरे राइटिंग के अंदर कम मार्क्स होते ना तो हो सकता है कि मेरा समराइज स्पोकन टेक्स्ट पिक ना हुआ हो। बट समराइज स्पोकन का टेम्पलेट 100% वर्क किया है, अदरवाइज राइटिंग के अंदर भी मार्क्स कम होने थे। लिसनिंग के अंदर रिपीट सेंटेंस की वजह से मार्क्स लूज हुए, अदरवाइज वहाँ पे भी मार्क्स लूज नहीं होते। ऑल राइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट। देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। देखो अगर आपकी स्पीकिंग आपकी प्रोनंसिएशन ठीक है ना, कोई भी टैम्पलेट आप लगाओगे आपका पिक हो जाएगा। टैम्पलेट सिर्फ जो मेन होते हैं वो आपका रेसे वाला, समराइज स्पोकन वाला, ये एक दो टैम्पलेट होते हैं जो अच्छे वाले अगर आपके पास हैं तो आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं। और जो स्पीकिंग का टैम्पलेट होता है ना वो हर एक टैम्पलेट काम कर जाता है। इनफैक्ट बस बात ये होती है क्योंकि जो पर्सन उसको बोल रहा है ना वो उसको क्लैरिटी से बोल के आए। दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट के रीड अलाउड भी ठीक नहीं होते, उनके रिपीट सेंटेंस भी ठीक नहीं होते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिस्क्राइब इमेज रिटेल के अंदर उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखो स्पीकिंग के अंदर ना पीटी ओवरऑल मार्क्स आपके देखता है। अगर आप एक दो क्वेश्चन के अंदर फंबल किए हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप सारे रीड अलाउड के अंदर आप प्रॉब्लम आप ठीक नहीं बोल रहे हो, रिपीट सेंटेंस के अंदर आप अटक अटक के बोल रहे हो, डिस्क्राइब रिटेल के अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको क्लैरिटी से बोलना होता है, प्रोनंसिएशन आपको फ्लुएंसी से बोलना होता है, तभी आपके मार्क्स स्पीकिंग के अंदर पिक हो पाते हैं। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स बस गलत नॉलेज के जरिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहते हैं और बार बार री अटैम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स और मार्क्स डिक्रीज करते रहते हैं। एक बार ऑनेस्टी से तैयारी करके जब आपके आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि अभी आपके मार्क्स बन सकते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाओ। अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर मॉक टेस्ट लगाओ, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करवाओ अपने टीचर से। जब आपका टीचर हाँ बोल दे उसके बाद ही आप अपना रियल एग्जाम फिल करो, अदरवाइज बार बार पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट टू मेक। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं पीटी के अंदर, बार बार उनको पीटी रिपीट करना पड़ रहा है, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी ताकि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाओ। नंबर्स नीचे गिवन है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ऑल राइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।